दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैदराबाद आए और उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार तेलंगाना में आती है तो असद अवैसी साहब को हैदराबाद से बाहर निकाल देंगे। 11 तारीख के दिन हैदराबाद की आवाम किसको खदेड़ती है ये आप उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हैदराबाद की आवाम किसके साथ इतने सालों से खड़ी है। आज ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ इस इरादे और इस मंशे से आए हैं कि किसी तरह से मजलिस को हैदराबाद शहर के अंदर कैसे कमजोर किया जा सके, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि अगर मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की अगर कोई आवाज है तो न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि मीडिया में या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर भी सच्चाई और हक की बात करनी होती है वहां सिर्फ और सिर्फ अगर एक आवाज खड़े रहती है, बुलंद आवाज पूरे हिंदुस्तान में फैलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है। इसी आवाज को कैसे कमजोर किया जाए यही इरादे से आज पूरे हैदराबाद में जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं उनके इरादे सिर्फ यही है। भाजपा वाले सोचते हैं कि कांग्रेस जीत जाए चलेगा, कांग्रेस वाले सोचते हैं कि भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन हर एक यही सोच रहा है कि मजलिस में नहीं जीतना चाहिए। मजलिस को हराने के लिए ये सभी लोग एक साथ मिलकर आ गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हैदराबाद की आवाम के अंदर न जाने ऐसी क्या फितरत है कि ये 5 साल तक कुछ भी कहेंगे, चुनाव प्रचार के दौरान, इलेक्शन के कैंपेन के दौरान वो भाषण सुनने आए ना आए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि 7 तारीख के दिन जब 7 बजे वो लाइन के अंदर खड़े रहेंगे तो वो घर से निकलेंगे कुछ भी मन बनाकर, लेकिन बटन दबाते वक्त से पतंग का निशान देखेंगे और पतंग पर ही मोहर लगाएंगे। ये यकीन और ये भरोसा इसलिए है कि पिछले कई सालों से हमने इस फितरत को आपकी देखा है। कहीं ना कहीं 6 तारीख की रात जब आप सोएंगे तो एक बात आपके ध्यान में सोते वक्त आप इसके ऊपर गौर जरूर करेंगे, कुछ भी हो असद अवैसी जैसा नेता हिंदुस्तान में नहीं है, वो मेरा अपना नेता है। और यही सोच लेकर आज असद अवैसी साहब जब आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी सियासी पार्टियों को इसकी तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ हो रही है कि वो लोग चाहते हैं कि हैदराबाद के अंदर ही इसे खत्म कर दिया जाए, मजलिस की आवाज को कमजोर कर दिया जाए, लेकिन हम आज यहाँ पर आप लोगों के साथ एक सौदा करने के लिए आए हैं, आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं और आपको कुछ देने के लिए आए हैं। हम आपसे ये मांगने के लिए आए हैं कि 7 तारीख के दिन आप हमें मजलिस के आठ कैंडिडेट जिता कर दे दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले 3 महीने के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन होगा महाराष्ट्र आपको जबान देता है कि इंशाल्लाह इस बार असद अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र से भी उनके साथी हम वहां पर भेजेंगे। ये यकीन और ये भरोसा न सिर्फ हमें है बल्कि कांग्रेस वालों को भी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर आपकी तादाद कितनी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने नुमाइंदे हैं उसके हिसाब से बोलने का मौका दिया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के एक ही MP, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर हम 2 MLA, हमारी जितनी स्ट्रेंथ होती है, जितनी तादाद होती है उसके हिसाब से हमें वक्त दिया जाता है। अब हमें महाराष्ट्र के अंदर जब भी बोलने का मौका दिया जाता है तो 2 मिनट का या 3 मिनट का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब से हमने ये सीख लिए है गुण कि अगर 1 मिनट भी मिल जाए तो किसकी धुलाई कैसे करना है 1 मिनट में, वो हमें अच्छी तरह से आ गया है। ये कानून हैदराबाद की विधानसभा में इसलिए लागू नहीं होता है कि वहां पर अकबर अवैसी साहब बैठे हैं। अब भला किसकी मजाल है कि अकबर अवैसी साहब को बोले कि आपका टाइम खत्म हो गया, ये बोलने की हिम्मत किसी में होती नहीं है, तो अकबर साहब को जितना बोलना होता है वो बराबर बोल के निकल जाते हैं। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर
ये इस मुल्क के मुसलमानों की, दलितों की जरूरत है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर हमें असद अवैसी साहब के साथ और भी एमपीज को भेजना है। और ये कैसे मुमकिन होगा? ये मुमकिन उसी वक्त होगा जब हैदराबाद के अंदर आप मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को ताकत बख्शेंगे। आप लोग पूरे मुल्क के मुसलमान इस कौम को सलाम करते हैं, हम भी आपको सलाम ठोकते हैं कि आप लोगों ने मजलिस को यहाँ पर जन्म दिया है। असद अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब जैसे नेताओं को आपने अपने शहर से यहाँ पर पैदा किया है। इस शहर की एक ऐसी जमीन के अंदर कुछ खासियत हमें नजर आती है कि मजलिस के छोटे से हम जैसे सिपाही जब हैदराबाद के अंदर कदम रखते हैं तो न जाने हमारे अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि कुदरती तौर के ऊपर हमारा सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है। एक ऐसी ताकत आ जाती है हमारे अंदर क्योंकि हैदराबाद के मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सबक दिया है। असद अवैसी साहब ने आपको जो पाठ पढ़ाया है वो पाठ हमने भी सीखा है और वो ये सिखाया गया है हमें कि हैदराबाद की आवाम ने जब भी वक्त आया तो ईंट का जवाब पत्थर से कैसा दिया जाता है, ये हमने आपसे सीखा है, ये हमने आपसे सीखा है। ये आपकी ताकत है और इसी ताकत को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे के पूरे एक साथ मिलकर अब गैंग अप हो गए हैं। ये सभी की मंशा है कि असद अवैसी साहब ने, अकबर अवैसी साहब ने अब ये जमात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों जब मजलिस महाराष्ट्र के अंदर आई तो यही इल्जाम हमारे ऊपर भी लगाया गया कि देखिए ये हैदराबाद की जमात महाराष्ट्र के अंदर आई, अब महाराष्ट्र के अंदर ये ज्यादा चलेगी नहीं क्योंकि ये हैदराबाद की छोटी सी जमात है, महाराष्ट्र के अंदर इनका कुछ होगा नहीं। क्या होगा? इक्के दुक्के आमदार आएंगे तो आ जाएंगे गलती से। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमें एक बड़े नेता ने यह कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के दो एमएलए चुनकर आए हैं ये गलती है, गलती से आ गए। उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ये एक्सीडेंट था, एक एक्सीडेंट की वजह से मजलिस के ये दो आमदार महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं। हमने उन्हें जवाब दिया था कि इसके बाद इस मुल्क में जहां जहां पर भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ेगी इस तरह के एक्सीडेंट इंशाल्लाह होते रहेंगे, ये एक्सीडेंट होते रहेंगे। मेरे भाइयों आज मुल्क की हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर आकर हमें यह कहा जा रहा है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं मजलिस ने इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हैदराबाद को मजलिस से मुक्त कर देंगे। ये जो सरकारें जो आई हैं, ये जो मोदी साहब 5 साल के लिए वजीर आजम बने हैं, ये सोचते हैं कि अब मैं जिंदगी भर के लिए वजीर आजम बन गया हूं, अब मुझे कोई नहीं हटा सकता है। हकीकत तो ये है कि ये वही आवाम है जो एक चाय वाले को वजीर आजम बना सकती है, तो यही आवाम अगर चाहती है तो उसी वजीर आजम के हाथ में दोबारा केतली भी थमा सकती है। अगर सही ताकत इस मुल्क के अंदर अगर किसी के पास है तो वो आवाम के पास है। आज ये जलसा यहां पर आप लोगों ने रखा है, कल प्रचार खत्म हो जाएगा। हमने पिछले कई दिनों से हम जाफर मेरा साहब के पास, कौशल भाई के पास, हम लोग जो मजलिस के सिपाही हैं अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, पश्चिम बंगाल से आया है, महाराष्ट्र से आया, हम लोग हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो रही हम भी कर रहे। हो सकता है कि हम किसी दो इंसानों के अगर जहन बदलने का काम कर सके। मेरे भाइयों मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं यहां पर, ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की खयादत खत्म हुई है, मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म किया गया है, तो मैं अक्सर ये बात
अपने जज्बों के अंदर कहता हूँ और ये हकीकत है, बात करनी है लेकिन सच्ची है, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की खयादत अगर खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर मुसलमानों की लीडरशिप खत्म की गई है इस मुल्क के अंदर तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई इसलिए है कि अगर आप देखेंगे कि कौशल मोहिउद्दीन जैसा शख्स जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया अपने सर्वे के अंदर ये कहती है कि अगर सबसे बेहतरीन आमदार हैदराबाद के अंदर कोई है तो वो कौशल मोहिउद्दीन है, ये कैसे लोगों को हजम होगा, ये कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे जो हमारे मुखालिफीन हैं। उनकी कोशिश तो यही रहेगी कि नहीं मजलिस को किस तरह से कौशल साहब को हराया जाए, जाफर मेराज साहब को हराया जाए, अहमद पाशा साहब को हराया जाए। मैं जब महाराष्ट्र की विधानसभा से जब बाहर निकल रहा था मुझे शिवसेना के एक नेता ने मुझसे सवाल किया था अब कहाँ जा रहे हो औरंगाबाद, तो मैंने कहा नहीं मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो बोले क्यों जा रहे, मैंने कहा वहां पर हमारे मजलिस इलेक्शन लड़ रही है इसलिए जा रहा हूँ। तो मुझसे पूछा कितने सीटें लड़ रहे, मैंने कहा 8 सीटें लड़ रहे, बोले कुछ जीतेंगे, मैं कहा हाँ जीतेंगे, कितने जीतेंगे, मैं कहा 8 के 8 इंशाल्लाह जीतेंगे। तो मेरी तरफ देखा, उसने सोचा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, उसने कहा ऐसा मुमकिन होता है क्या कि 100% रिजल्ट आता है। मैंने कहा कभी हैदराबाद गए हो, तो बोले हाँ एक बार गया था। मैंने कहा क्या क्या देखे हो, तो कहा मैंने सालारजंग म्यूजियम देखा, चार मीनार देखा, फिल्म सिटी देखा। मैंने कहा फिर हैदराबाद कहाँ देखा अगर दारुसलाम ही ना देखा, अगर दारुसलाम ही ना देखा। हकीकत यह है कि ये लोग 11 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, मीडिया को इस बात का पता है कि नतीजे क्या आने वाले हैं, इसीलिए हमारे पीछे लगे हुए हैं कि 11 तारीख के दिन आप हमारे स्टूडियो में बैठेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 11 तारीख के दिन जब नतीजे निकल कर आएंगे तो सरकार किसकी बनेगी कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये असद अवैसी का जादू कैसा है कि 8 सीटें खड़े करता है और 8 के 8 जिता देता है। चर्चा इस बात के ऊपर होगी और उस दिन असद अवैसी साहब ऐलान करेंगे अब मैं हैदराबाद से अब मुक्त हो गया हूँ, अब महाराष्ट्र भी आ रहा हूँ। और उस दिन योगी साहब को कहेंगे कि तू कह रहा था ना मुझसे कि मैं हैदराबाद से तुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, तो उस दिन असद साहब ऐलान करेंगे कि अब मैं भाग कर आने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में बसने वाला हूँ और गोरखपुर में तेरी पिटाई करने के लिए आने वाला हूँ, गोरखपुर में बसने वाला हो। गोरखपुर उसका चुनावी क्षेत्र है। अकबर साहब ने तो पहले ही कह दिया यहाँ का इलेक्शन खत्म होते ही हम वाराणसी जाएंगे और सीधा टक्कर 56 इंच के साथ ली जाएगी वहां पर। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि आज इस मुल्क के हालात जो है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये मुल्क के अंदर मुसलमानों को जिस तरह से, दलितों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये लोग समझते हैं कि मुसलमानों को ये परेशान करेंगे तो मुसलमान बहुत हैरान परेशान हो जाएगा, अपने मजहब के रास्ते से हट जाएगा। ये लोग ये समझ रहे थे कि मुसलमानों को गोश्त खाने से रोकता तो ये कौम मर जाएगी। ये समझ रहे थे कि बड़े का गोश इनको खिलाना बंद कर डालो तो ये कौम खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब, ये कौम मरने वाली नहीं है, जब तक जिंदा है इंशाल्लाह तुमसे लड़ते रहेंगे लेकिन तुम्हारे सामने कभी झुकेंगे नहीं। ये यकीन है हमारा। इसी यकीन की बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन इतने सालों से यहाँ पर इतनी ताकत बनकर उभरी है। हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगले 2-3 दिन आप लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, मैं कुछ जलसों के अंदर अपने खुद के एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, वो यहाँ पर भी दोहराना चाहता हूँ। जब मैं 2014 के अंदर असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे खिलाफ 3-3 आमदार थे, 3-3 सिटिंग MLA थे, शिवसेना का सिटिंग MLA, BJP का सिटिंग MLA और कांग्रेस का सिटिंग MLC, ये 3 MLA मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। एक बड़ा लीडर था जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहा था। इलेक्शन से 2 रात पहले वो एक गरीब
बस्ती के अंदर जाता है, गरीब बस्ती के नौजवान लड़कों को, गरीब बस्ती का मतलब यह है कि मुसलमानों की और दलितों की ही बस्तियां गरीबों की होती है, उस गरीब बस्ती के अंदर जाकर नौजवान लड़कों को इकट्ठा करता है और नौजवान लड़कों को इकट्ठा करके उन्हें हाथ में 1,00,000 रुपया देता है और ये कहता है ये पैसा रखो, मैं और जीत कर आने के बाद और दूंगा। इतने गरीब लड़के होते हैं वो कि उनके लिए 1,00,000 रुपया क्या मायने रखता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लड़के पैसा उसमें से एक लड़का ले लेता है अपने हाथ में, वो जैसा ही पैसा देता है तो एक नौजवान लड़का उसमें से खड़े रहता है और कहता है कि भाई इस पैसे को हाथ नहीं लगाना, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं दूंगा लेकिन इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। दूसरे नौजवान लड़के परेशान हो जाते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि तू बैठ, तू कहां से पैसे लेकर आएगा, तू खुद रिक्शा चलाता है, तू दिन में रिक्शा चलाता है तो रात में तेरे घर का चूल्हा जलता है, तू कहां से 1,00,000 रुपया देगा। उस लड़के को जज्बे को सलाम करिएगा कि उस लड़के ने अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकालता है, कहता है मेरा ऑटो रिक्शा भेज देना लेकिन इस बार इतिहास जरीर को धोखा नहीं देना, मजलिस को धोखा नहीं देना। दोस्तों, मुसलमान अगर हारता है, पूरे मुल्क के अंदर ये सच्चाई है कि इस कौम को बांटा जाता है, बिखेरा जाता है। 27 सालों तक जब मेरे अपने शहर के अंदर हमने देखा है कि मेरे शहर में 27 सालों तक सिर्फ शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। औरंगाबाद शहर हैदराबाद कोई अलग नहीं है, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि हैदराबाद में मजलिस जीतती है और औरंगाबाद में हारती आ रही थी 27 सालों से। तो हमने आंकड़े निकाले और लोगों के सामने आंकड़े रखे तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि अगर कौशल मोहिउद्दीन साहब जीतने वाले कैंडिडेट है तो कौशल मोहिउद्दीन साहब को हराने के लिए और 4 मुसलमानों को खड़ा किया जाता है, किसी को पैसा देकर खड़े किया जाता है, किसी को एक टारगेट देकर खड़ा किया जाता है कि तुम्हें सिर्फ 2,000 वोट लेना है, किसी को कहा जाता है कि ये पैसा लो तुम्हें सिर्फ 3,000 वोट लेना है। 27 सालों तक यही मेरे शहर में चलता आया था। मैंने अपनी आवाम के बीच में गया था और अपनी आवाम से सिर्फ यही कहा था कि एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ, एक बार मुत्तहिद हो जाओ, एक बार अपनी एकजहती का सबूत दे दो, एक बार एक धक्का लगा कर तो देखो। ऐसा धक्का लगाया अल्हम्दुलिल्लाह 27 सालों के बाद हमने शिवसेना के भगवे झंडे को उखाड़ा और वहां पर हरा झंडा हमारा लहराया। दोस्तों, मेरा बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि हम बढ़ गए तो हम खत्म हो गए, हम बिखर गए तो हम खत्म हो गए। आज हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर ये जो इल्जाम बार बार लगाए जाते हैं कि मजलिस आई है तो किसी और का फायदा होगा, अगर मजलिस चाहती तो 50 सीटें 80 सीटें 100 सीटें लड़ सकती थी, तब आप ये आरोप लगा सकते थे। लेकिन हकीकत ये है कि क्या एक सियासी जमात को इतना भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने शहर से जहां से उसने जन्म लिया है उस शहर से वो 8 सीटें भी लड़ सके। लेकिन दोस्तों, आज सबको खटक रहा है कि कोई भी जीत जाए ये 8 सीटों के ऊपर गड़बड़ होनी चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूँ, आप लोगों से ये इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि 7 तारीख के दिन सुबह 7 बजे आपको कतार में खड़े रहना है। मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि उस दिन अपनी अम्मी से कहना कि मैं जब तक अपना वोट डालकर नहीं आऊंगा आप उस दिन मेरे लिए चाय भी बनाकर नहीं देना। आप चाय उस वक्त देना जब मैं वोट डालकर आऊंगा। दूसरों, मैं एक एक वोट की कीमत क्या होती है मैं मेरे जलसों के अंदर कल भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन आज ज्यादा लोग हैं, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। मैं पुणे में पत्रकार हुआ करता था, मैं एक टेलीविजन चैनल के लिए काम करता था, मैं उस पत्रकारिता के जीवन में मैं पुणे के कोंडवा इलाके में, एक मुसलमानों का इलाका है जहाँ तकरीबन 60 से 65 आबादी जो है वो मुसलमानों की है, लेकिन 60 से 65 आबादी होने के बावजूद भी वहां से हमेशा कभी शिवसेना जीत कर आती थी, कभी राज ठाकरे की पार्टी जीत कर आती थी, तो कभी कोई और जीत कर आता था, लेकिन मुसलमान कभी जीत कर नहीं आता था। 2004 की बात है, वहां के जब इलेक्शन हुए महानगर पालिका के, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, सभी कैंडिडेट खड़े हुए थे और हर बार की तरह
मुसलमान कैंडिडेट अब खड़ा हुआ तो उसे हराने के लिए शिवसेना ने और दो मुसलमानों को खड़े कर दी, राज ठाकरे की पार्टी ने और दो मुसलमानों को खड़े कर दी, कांग्रेस ने और दो मुसलमानों को खड़े कर दी, लेकिन वहां की समझदार आवाम ने एक बात तय किया, नहीं हम किसी एक के साथ अब जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जब नतीजे का दिन आया तो जो मुसलमान कैंडिडेट के पीछे आवाम खड़ी थी उसका नाम फेरोज था। फेरोज ने अपनी वालिदा को खड़ा किया था, लेडीज वार्ड था। शिवसेना के एमएलए ने अपनी बहन को वहां से खड़ा किया था। रिजल्ट का दिन जब आया तो रिजल्ट के दिन वहां पर नतीजे जब सामने आए तो फेरोज को जितने वोट मिले थे शिवसेना के कैंडिडेट को एग्जैक्टली उतने ही वोट मिले थे, यानी कि टाई हो गया था, टाई हो गया था। मैं वो मंजर देख रहा था, मैं पत्रकार की हैसियत से उसे अपने कैमरे में कैद कर रहा था कि हजारों शिवसेना के चाहने वाले एक तरफ खड़े, फेरोज के सपोर्टर्स एक तरफ खड़े, सभी लोगों के दिल की धड़कन रुक गई थी कि हमने इतनी मेहनत करे, नतीजा टाई हो गया। रिकाउंटिंग की गई, रिकाउंटिंग का जब नतीजा आया तो दोबारा एक जैसे वोट सामने आए। जब वोट सामने आए तब फैसला लिया गया कि पोस्ट के जरिए भी वोट आते हैं, पोस्टल बैलेट भी होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई इलेक्शन के कामकाज के सिलसिले के अंदर जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है या जो पुलिस वाले ड्यूटी के ऊपर होते हैं उन्हें यह सुविधा दी जाती है कि वो पोस्ट के जरिए भी अपना वोट डाल सकते हैं। एक ही वोट आया था पोस्टल बैलेट के जरिए। आप सोचिए, तसव्वुर करिए कि एक तरफ इनके सपोर्टर, एक तरफ उनके सपोर्टर, सभी के दिलों की धड़कन रुक गई, खामोश, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था हजारों लोग होने के बावजूद, और सब इंतजार कर रहे थे कि वो एक पोस्टल बैलेट जब खोला जाएगा तो किसके हक में जाएगा। जब वो पोस्टल बैलेट खोला गया तब देखा गया कि उस पोस्टल बैलेट के अंदर एक वोट जो आया था वो शिवसेना के हक में गया था। एक वोट से शिवसेना वहां पर जीती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि 7 तारीख के दिन ये सोचेंगे आज तो जुम्मे का दिन है, मैं तो आराम करने वाला हूँ, आज तो दुकान बंद है, कौन जाएगा लाइन में खड़े रहेगा, कौन जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर मैं अपना वोट नहीं दिया पूरा मोहल्ला तो देने वाला है। आपको पता चलेगा एक वोट की कीमत क्या है, मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी साहब ने आपसे 500 और 1000 की नोट ले लिए थे तो कई घंटों तक आप अपने 500 और 1000 रुपये के लिए ATM के सामने कई कई घंटे तक खड़े रहते थे। आप अपने पैसे के लिए बैंक की खतारों के अंदर जाकर कई कई घंटे खड़े रहते थे। ये 5 साल आपके कैसे गुजरने चाहिए, ये 5 साल आपका नुमाइंदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपका फैसला तय करेगा कि मैं वहां पर उस लाइन के अंदर खड़े रहूंगा और कोशिश करूंगा। ये लड़ाई होनी चाहिए कि 7 बजे सबसे पहले वोट कौन डालता है, और अगर ये जज्बा लेकर आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत इंशाल्लाह कौशल मोहिउद्दीन साहब को और मजलिस के 8 ही उम्मीदवारों को हरा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम यही दुआ करते हैं कि 11 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे हम तो महाराष्ट्र में होंगे, लेकिन हमारा सीना चौड़ा करवाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ये फखर देने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। ये खुशी सिर्फ हैदराबाद के अंदर नहीं मनाई जाएंगी, यकीन मानिए मुसलमान कहीं पर भी हो, मुल्क में हो या मुल्क के बाहर हो, वो सभी की नजरें हैदराबाद के ऊपर लगी रहेगी, और हैदराबाद की आवाम को हम आज ही से सलाम करते हैं और ये एक बार मीडिया वालों को कहते हैं कि रिकॉर्ड कर लो, 8 सीटें मजलिस लड़ रही है, इंशाल्लाह 8 की 8 जीतेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।